गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 2, पेज नंबर 9, चैप्टर 2, हिंदी वर्ण माला, हिंदी अल्फाबेट। तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते है। बोलने या लिखने के लिए हमें कुछ संकेतों की सहायता लेनी पड़ती है। ये संकेत वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। क्या कहा गया है कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि भाषा के दो स्वरूप होते, लिखित और मौखित। तो क्या बोले कि हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते। बोलने या लिखने के लिए हमें कुछ संकेतों की भी क्या सहायता लेनी पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये संकेत वर्ण या अक्षर लाते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बच्चों, किसको ये जो विचार लिखने के लिए जो संकेत यूज़ किए जाते हैं उसके संकेत को क्या बोलते हैं, वर्ण या अक्षर। और ये वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहा जाता है तो हम उसे सहेलाई से बता सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है। यह वर्णमाला इस प्रकार है। ये क्या है, अ आ ऊ रू ए ऐ ओ औ। ये क्या है, स्वर है। और इसके नीचे क्या है, ये व्यंजन है। क से ह तक क्या है, ये व्यंजन है। ये क्या है, वर्णमाला है। वर्णों के भेद। अब वर्णों को बारी बारी से पढ़कर देखो। तुम देखोगे कि अ आ ई ऊ रू ए ऐ और औ को बोलते समय मुंह में कोई रुकावट नहीं होती है। क्या है कि हम जब स्वर बोलते हैं तो हमारे मुंह में कोई रुकावट नहीं होती, हम एकदम फट से बोल देते हैं, एकदम जल्दी बोल देते हैं, आई ऐसा बोल देते। लेकिन उसके बाद वर्णों अर्थात क से लेकर ह तक वर्णों को बोलते समय मुँह से अ भी अपने आप निकल जाता है। क्या कहा गया है कि जब हम अ से औ तक बोलते हैं तब कोई रुकावट नहीं होती, पर हम क से ह तक बोलते हैं तो क्या निकलता है, मुँह से अ भी अपने आप निकल जाता है। इन वर्णों को अ के बिना नहीं इन वर्णों को अ के बिना नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अ से औ तक है बराबर, ये क्या है, स्वर है। और इसके नीचे व्यंजन है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुँह से क्या निकल जाता है, अ निकल जाता है। अ के बिना नहीं बोल सकते हैं, स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से मतलब मुँह से मुँह में कोई रुकावट नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। ये है अ आ ई ई ऊ ए रू ए ऐ औ ए ऐ ओ औ। क्या कहा गया है कि स्वर, आपको जो स्वर किसे कहते हैं आप तो जल्दी से बता देंगे कि अ आ ई ई को क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। लेकिन अगर हमको कोई उसकी डेफिनेशन पूछे तो जिन वर्णों को बोलते समय मुख में कोई रुकावट नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर ह तक के वर्ण व्यंजन है। अब किन का देखो कि वर्णमाला में कितने स्वर है और कितने व्यंजन। तुम देखोगे कि स्वर की संख्या 11 है जबकि व्यंजनों की संख्या 33 है। ओके, क्या कहा गया है कि वर्णमाला में कितने स्वर है और कितने व्यंजन, तो हमें याद होना चाहिए आँख बंद करके कि स्वर कितने हैं, 11 है और व्यंजन 33 है। कुछ अन्य वर्ण, इन शब्दों पर ध्यान दो। सड़क, ओढ़नी, इन शब्दों में तुमने दो नए वर्ण देखे। वो वर्ण क्या है, ड और ढ। ये आपको बीच में दिख रहा है, ड और ढ। ये दोनों वर्ण क्रमशः ड और ढ से बने हैं लेकिन इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। अब इन शब्दों को देखो, पक्षी, पत्र, यज्ञ, श्रोता। इन शब्दों में कुछ नए वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ये है क्ष, त्र, घ्न और श्र। आप लोगों को दिख रही है क्ष, त्र, घ्न और श्र। ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। कौन से दो वर्ण, क प्लस श, तो उसका प्लस करके क्या बनता है, क्ष बनता है।
फिर बाजू में देखते हम त प्लस र, इसको मिलाकर क्या बनता है, त्र बनता है। ये वर्ण भी व्यंजन की तरह ही बोले और पढ़े जाते हैं, इसलिए ये संयुक्ता संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहा गया है बच्चों, ये जो हमें ये जो दिखाए गए हैं, ये जो अक्षर हमें दिखाए गए क्ष त्र घ्न और श्र, ये भले बोलने में अलग है पर ये किस तरह बने होते हैं, इस संयुक्त अक्षर इसको बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, इसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर, जिस प्रकार क और श के मिलने से क्ष बना है, उसी प्रकार अन्य व्यंजन भी आपस में जुड़ते हैं, जैसे क प्लस क का, तो ये क्या बन जाता है, मक्का। तो ये किस से बना है, संयुक्ताक्षर से बना है। फिर आपको ये सब वर्ड भी दिए, मक्खी और भक्त। जब दो वर्ण या अक्षर आपस में जुड़ते हैं तब उनका मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहा गया है कि जब दो वर्ण कैसे मिलते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है मक्का में क और का मिला हुआ है, तो ये कैसे अक्षर हो गए, कैसे वर्ण हो गए, संयुक्ताक्षर हो गए। अपनी हिंदी की पुस्तक देखो, तुम्हें ऐसे अनेक शब्द मिल जाएंगे जिसमें दो वर्ण आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्वर की मात्राएं, व्यंजन के साथ जब किसी स्वर को जोड़ना हो तो उस स्वर के लिए हम एक प्रकार के चिन्ह की सहायता लेते हैं, यह चिन्ह उस स्वर की मात्रा कहलाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अन्य स्वरों की मात्राएं होती है। आपको पता है ना बच्चों, मात्रा किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम मात्रा बोलते हैं। तो क्या बोला है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अन्य स्वरों की मात्राएं होती है। आओ देखें कि स्वर की मात्राएं कौन कौन सी है और वे व्यंजन के साथ किस प्रकार लगाई जाती है। तो ये देखो बच्चों, हमें क्या दिए, स्वर मात्रा कहाँ लगेगी और उसके उदाहरण। अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती और वो कहीं लगती भी नहीं है और उदाहरण भी उसका कोई नहीं। आ देखो, आ उसकी मात्रा ये व्यंजन के बाद, कब लगेगी मात्रा उसको, व्यंजन के बाद लगेगी, व्यंजन से पहले नहीं लगेगी। जैसे चाल चला चलना, बराबर आपको दिख रहा है ये च के बाद है, ये च व्यंजन है और उसके बाद क्या लगी है, ये मात्रा लगी है। फिर चला के बाद देखो, ये च और उसके च भी व्यंजन है और ल भी व्यंजन है, तो ल के बाद क्या लगी है, मात्रा लगी है, तो क्या हो गया, चला और चलना। फिर ई देखो, व्यंजन के पहले, ये छोट ई की छोटी मात्रा है, तो ये कहाँ लगेगी, व्यंजन के पहले लगेगी। तो देखो ये पीन कवि चिड़िया। फिर बड़ी ई, इससे इमली वाली ई, ये कब लगेगी, व्यंजन के बाद लगेगी, कली कील चटनी। उ, व्यंजन के नीचे, फूल मधु बहुत। ये सब हमें क्या बताई गई है, मात्राएं बताई गई है और ये कब कब लगेगी वो भी हमें इसके उदाहरण भी दिखाए गए हैं। यह भी जानो, र में उ की मात्रा लगाने पर इसका रूप रू हो जाता है, जैसे रुई रुपया, अरुण रुलाना रुकना। र में उ की मात्रा लगाने पर इसका रूप रू हो जाता है, जैसे रूप रुखा रुठना। अब इन चित्रों को देखो, पतंग ऊंट नमः। तुमने देखा कि हिंदी में व्यंजन के साथ अन्य मात्राएं भी जुड़ती है, जैसे अनुस्वर औं की मात्रा, जैसे कि हंस कंस वंश पलंग। चंद्रबिंदु की मात्रा, ऊंचा लहंगा महंगा। विसर्ग की मात्रा, अतः पुनः अंततः। के डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ क्या देखी, हमने यहाँ मात्राएं देखी कि किस तरह मात्राएं लगाई जाती है, कोई स्वर से पहले लगाई जाती है तो कोई स्वर के बाद लगाई जाती है।